स्वागत है आपका आरजे प्रिया टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है काफ़ी बैड न्यूज़ है इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि आपके इंटरटेनमेंट में जो है दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है। वो क्या है पूरी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है इसी तरह की ट्रोटेक और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों बात करने वाला हूँ आपके डीडी फ्री डिश के MPEG-2 सेट टॉप बॉक्स में से दो चैनल्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, जो कि दोनों चैनल्स आपके फेवरेट हुआ करते थे और जिसे आप ज़्यादा देखना पसंद करते हो। अगर मैं पहला चैनल्स की बात करूँ वो आपका आ जाता है 9X जलवा, और दूसरा चैनल्स की बात करूँ जो कि आपका आ जाता है सिनेमा टीवी इंडिया। दोस्तों ये दोनों चैनल्स जो हैं आपके 44 ऑक्शंस में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ तक कि प्रसार भारती डीडी फ्री डिश को इन्होंने पैसा भी पेमेंट कर दिया था। लेकिन कही जाती है कि भैया जब आफत की घड़ी आती है तो बहुत कुछ को मुझे छोड़ना पड़ जाता है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों कंपनी के साथ हुआ है। हुआ क्या कि दोस्तों यहाँ पे जो है इन दोनों को फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी डगमगा गया है इस लॉकडाउन के समय में, और आने वाले समय में दोस्तों हो सकता है कि ये दोनों चैनल्स आपके फिर से डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, लेकिन इसकी उम्मीद अभी तक कोई नहीं है। तो फाइनेंशियल कंडीशन में हुआ क्या कि दोस्तों इस लॉकडाउन के समय में ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर दोनों चैनल्स को लॉन्च किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है इनको अपने डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर से इन दोनों चैनल्स को यहाँ पर रिमूव करना पड़ा। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों चैनल्स को आप कहाँ देख सकते हो, तो इन दोनों चैनल्स को अभी आप देखने के लिए जो है प्राइवेट प्लेटफॉर्म का यूज आप कर सकते हैं, या फिर MPEG-4 सेट टॉप बॉक्स है तो उसमें आप जो है दोस्तों 9X जलवा को देख सकते हो, लेकिन MPEG-2 सेट टॉप बॉक्स में 9X जलवा को नहीं देख सकते हो। लेकिन अगर मैं सिनेमा टीवी की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सिनेमा टीवी है, आप देख सकते हो डीडी नेशनल का जो है यहाँ पे चैनल शुरू हो चुका है इस फ्रीक्वेंसी पे और इसी चैनल नंबर पे जो कि यहाँ पे पहले सिनेमा टीवी हुआ करता था। मन में ये क्वेश्चन भी जरूर आता होगा कि भैया आखिर डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर से ही केवल इन दोनों चैनल्स को क्यों गायब किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि डीडी फ्री डिश का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे स्लॉट जीतने के लिए और साथ ही यहाँ पे जो है अपने चैनल्स को लॉन्च करने के लिए एक मोटी रकम देनी होती है। लेकिन और भी अगर प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ प्राइवेट प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा छूट भी मिलता है इन कंपनी को अपने चैनल्स को लॉन्च करने के लिए, इसीलिए आपको प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा चैनल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। केवल वही चैनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो स्लॉट को जीतता है, ऑक्शंस में भाग लेती है और यहां पे जो है वो अपने प्रोग्राम को प्रसारण करती है। क्योंकि देखिए ये डीडी फ्री डिश का प्लेटफॉर्म होता क्या है कि कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है प्राइवेट प्लेटफॉर्म के अपेक्षा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको पता होगा जब भी टीआरपी रेटिंग की वीडियो मैं बनाता हूं तो पिछले वाले अगर मैं टीआरपी रेटिंग की बात करूं जिसमें आपको इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में दंगल चैनल्स ही काफी अच्छे पायदान पे जो कि एक नंबर पे रहता था और काफी अच्छे वहां पे वो इनकम करती थी, लेकिन जब से रामायण महाभारत और भी जितने हैं रिलीजियस शो को दिखा करके यहां पे डीडी नेशनल खुद अपने एक स्थान प्लेटफॉर्म को यहां पे रखा है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि उनके टीआरपी को लेकर के कितना ज्यादा लोगों के बीच में क्रेज है, और इस टीआरपी से ही आपको पता चलता है कि कौन सा चैनल्स का कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, कितना उनका व्यूवरशिप है। तो मेन रीजन यही है कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर से इन दोनों को चैनल्स का गायब होने के लिए। तो यहां पर जलवा को देख सकते हैं 9X जलवा, जहां पर आपको अभी NDTV का प्रोग्राम यहां पर दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों चैनल्स जो है यहाँ पे रिमूव होने के कारण मेन यही रीज़न है कि इन दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन अभी काफ़ी ख़राब चल रहा है इस लॉकडाउन में, तो ये दोनों चैनल्स को जो है डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर से गायब होना पड़ा। और उसके बाद इसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर अभी आप इसे देख सकते हो, लेकिन डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पर आप इसे नहीं देख सकते हो। आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हो कि दोस्तों जिन्होंने पैसा पेमेंट करके डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म के स्लॉट को जीता है, उसके बाद से इन्होंने अपने चैनल्स को लॉन्च किया है, तो फिर भैया बात आ जाती है कि फाइनेंशियल कंडीशन ही कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें आपको बहुत कुछ को जो है छोड़ना पड़ जाता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहां पे जो है इन दोनों चैनल्स को जो अपना डीडी फ्री डिश का जो स्लॉट है उसे छोड़ना पड़ा, मेन रीजन यही था। आने वाले समय में अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएंगे निकल करके तो हमारे चैनल पे इसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो इसी तरह की ट्रूटेक और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय।